पुलिस तो सारे डरते हैं पर जो तो कोर्ट के आते ना बड़े तो बड़ा पुलिस अफसर भी वकील तो डरते हैं सारे इंडिया के बच्चे नाल का कोई आश्रम नहीं होगा सारिया फैसिलिटीज ए टू जेड रूम देख लो कितना वधिया है आ बेडशीट गर्मियां सर्दियां वाले कपड़े फ्रूट्स बहुत बहुत वेरी वेरी मैं खुश हाँ दोनों से बहुत खुश हाँ प्रॉपर्टी तो बहुत सी नानक भी सी मेरे दादक भी सी मतलब सारे शौक आके इतने पूरे हो गए मतलब आश्रम के विचार पूरे हो गए बहुत अच्छा महसूस कर रहे कोई टेंशन नहीं आई एम सैटिस्फाइड कहते ने जेकर वकील नाल पंगा लौंगे तो हमेशा पछताओगे तो अज साढ़े नाल एक कपल मौजूद है जिथे कि आप गल करिए सर दी तो सर जड़े ने वकील ने पर अज एक आश्रम के बैठे हुए ने सारी गलबात करते तो जानते सब तो पहला स्वागत करेंगे सत श्रीकाल सर सत्या बेटा सर एक गल सच है कहते भी वकील कदे पंगा ना लाओ जो लौंगे तो पछताओगे बिल्कुल सच है बेटा पुलिस तो सारे डरते हैं पर जो तो कोर्ट के आते ना बड़े तो बड़ा पुलिस अफसर भी वकील तो डरते हैं बिल्कुल ते आश्रम दे विच आए कितना टाइम हो गया ते कितना का वधिया लगता है इत्थे रह के आश्रम दे विच आए नू पिछली 13 जनवरी लोहड़ी ते आई सी सवा साल हो गया इत्थे आके बहुत वधिया लग रहे ते कितना पता लग गया सीगा इस आश्रम बारे सर्च की थी सी बेटा ओदे ते गूगल ते अच्छा हाँ ते रहने वाले किधर दे हो डिस्ट्रिक्ट पटियाला पटियाला हाँ जी ते पटियाला तो इधर आए हो पटियाला दे विच नहीं कदे देखे सोचा सी वी उत्थे कोई आश्रम होगा बेटा उत्थे जिथे सारी उम्र प्रैक्टिस की उत्थे एक रिस्पैक्ट जी बनी हुई सी उत्थे थोड़ा जिहा असीं झिझक जी महसूस करदे सी भी कितने बाहर चले जाइए लेकिन पटियाले दे विच अज मैं इत्थे रह के महसूस कर रहे हैं भी पटियाले दे विच तां की सारे इंडिया दे विच इहदे नाल दा कोई आश्रम नहीं होगा पंजाब नूं भी छड्ड दिओ मतलब सारा कुछ मतलब फैसिलिटीज मिल रही सारियां फैसिलिटीज ए टू जेड रूम देख लो कितना वधिया है आ बेडशीट गर्मियां सर्दियां वाले कपड़े फ्रूट्स खाना तिने टाइम किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई कमी नहीं ट्रीटमेंट भी नाल बेबे नाल भी गल करांगे मैम की होया चश्मा ला के बैठे हो ऑपरेशन करवाया ऑपरेशन की होया सीगा मोतिया सी बेटे चिट्टा बेटे मालिक का शुक्र है बहुत वधिया आई एम हैप्पी बहुत बहुत वेरी वेरी हैप्पी मैं खुश हाँ दोनों से बहुत खुश हाँ सर जी प्रॉपर्टी वगैरह सी वो फिर तुसी किद्दा कीती किवें बेटा प्रॉपर्टी तो बहुत सी मेरे नानक भी सी मेरे दादक भी सी एग्रीकल्चर लैंड भी सी कोठी भी सी पटियाले ते मेरे फादर पुलिस सीगे अच्छा पुलिस तो थाने दा रिटायर होए सी ते ओ मेरे तीन सिस्टर ने जी ते उन्होंने एक्सपायर होने तो बाद उन्होंने ना कोर्ट केसेज वगैरह विवाद है प्रॉपर्टी का अच्छा ते मेरा भणोइया भी वकील है एक उन्हें सारे सिस्टर नाल जोड़ के कोर्ट केस चल रहे हैं ते मैं तो दिलचस्पी नहीं ले रहा मैंने कोई इच्छा ही नहीं रही इत्थे आउण तो बाद बिल्कुल इच्छा ही नहीं रही भी मेरे को प्रॉपर्टी होवे मेरे को पैसा हो या मैं वधिया पहना या मैं वधिया कितने घूमा फिरा आई एम सैटिस्फाइड मतलब सारे शौक आके इतने पूरे हो गए मतलब आश्रम के विचार पूरे हो गए बहुत अच्छा महसूस कर रहे कोई टेंशन नहीं क्यों झगड़े च पई गए की लोड़ है कादे वास्ते एक महापुरुष ने कहा कहिंदे पूत कबूत तो क्यों धन संचे पूत सबूत तो क्यों धन संचे जे पुत्र कबूतर है अपना बच्चों वास्ते जोड़ते ना कहते जे पुत्र कबूतर है क्यों उसके वास्ते जोड़ना है वह तो बर्बाद कर दूगा जे पुत्र सपुत्र है उसके वास्ते भी क्यों जोड़ना है वह तो आप ही बथेरा कमा लूगा ठीक है सर कि वास्ते करना है साढ़े अपनी लोड़ा पूरी हो रही सारी जरूरत पूरी हो रही हाँ बेटा सारी पूरी हो रही हर चीज़ मिल रही बेटा कोई चीज़ असं यही नहीं कह सकते सू मिली कोई स्पैशल भी चीज़ असी मूँह चो कढ़ी है ना भी आ चाहिए है वो भी 10 मिनट तो पहले हाजिर हो जाएगी अच्छा रिश्तेदार वगैरह मिलन आते ने बेटा रिश्तेदार सारे पटियाले ने जी
या संगरूर ने, मेरे इलाज संगरूर ने, मैं पटियाला बिलोंग करता हूँ, उत्थी जमे पढ़े, उत्थी मैं कॉलेज स्कूल पढ़े हैं, उत्थी प्रैक्टिस करता रहे, वकालत करता रहे, वो थोड़ा दूर आउट करके ना झिझक महसूस करते करते सानू बुला लेंगे, जाने असी चले जाने मिले उन्हें फंक्शन से भी जाने, उन्होंने पता है भी उत्थे रहने मतलब कि वकील से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटियाला आम जिंदगी का बहुत फर्क होंदा मुकदमे चलते है वो भी जो फिल्म दिखाए जाते भी बहुत फर्क होंगे कोई होर चीज है आम आम जो कोर्टा के असं फाइट करते हैं वो होर चीज़ है नहीं बेटा झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना पैंदा एक लीगल प्रोसैस है ये पेंजी बैठे ने इन्होंने तुहाडे ते कोई दावा पाता है ना मैं तुहाडा वकील है तो मैं मान लिया हो भी ठीक है जो पाता फिर तो केस चले ही ना बिल्कुल फिर तो एक्सपर्ट ही हो गए ना एक तरफा हो गया इन्होंने हक च केस चलता ही चाहिए है उन्होंने पहला डिनाई करना पैंदा सारे पहला नंबर इज वन इज पहला नंबर वन इज रॉन्ग एंड हैंस डिनाई पहला नंबर टू इज रॉन्ग एंड हैंस डिनाई पहला नंबर थ्री इज रॉन्ग एंड हैंस डिनाई सारा कुछ करना पैंदा लेकिन यह नहीं है भी वो झूठ बोलिया वा ही कोर्ट मन के उसे फैसला कर दूगी उन्होंने सानू सिद्ध भी करना पैंदा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਲਹੌਜੀ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਚ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਫਿਊਚਰ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਪਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ